मुझे बहुत अच्छा लगा और जो एक्शन था वो बहुत ही अच्छा था। एंड मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ देखें, बहुत अच्छी मूवी है। डायरेक्शन पार्ट कैसा लगा इस फिल्म का? बहुत बढ़िया था। इसके अलावा एक्टिंग कैसी सर की? एक्टिंग कितनी अच्छी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग लगा। मैं चाहूँगा कि सब लोग देखें और पूरी फैमिली के साथ देखें। VFX है, रियल लोकेशन पे शूट है, वो कितना अच्छा लगा आपको? वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। इसके म्यूजिक पार्ट कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग देखें, हर हर महादेव। तो दोबारा देखना है फिल्म? हाँ, मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि जैसे टाइम मिले मैं आके। कितने स्टार देंगे? 5 मार से 4.5 स्टार दूंगा। अच्छा, ये फिल्म और भी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, वो कितनी अच्छी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो यहाँ पे लोग हैं अलग अलग दूर दूर से आते हैं, तो वो देखते हैं, तो उनको क्या है कि मतलब आप अपने अपने भाषा में देख सकते हैं। जैसे कि सबको मराठी नहीं आती है, तो आप जैसा उनको अच्छा लगता है वो देख सकते हैं। चलो मैम, मराठी बहुत अच्छा था। शरद के मराठी मध्ये पण येतं। शरद केळकरची ऍक्टिंग वॉज ऑसम। नहीं, स्टोरी बहुत अच्छी है, उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट भी किया है। तो क्या खास है इस फिल्म में, क्या अलग है? और सबसे बड़ी बात है, अलग अलग लैंग्वेज मराठी। म्हणजे शरद केळकरची ऍक्टिंग मला आवडली, आणि जसं त्यांनी प्रेझेंट केलंय ते सगळं आवडलं, आणि प्रत्येक एक एक सीन जो जसं दाखवलाय त्यांनी तो आपण फील करू शकतो। आणखीन काय म्हणता येईल, ओवरऑल हा खरंच खूप छान मूवी आहे, सगळ्यांनी बघावा असं मला वाटतं। डायरेक्शन पण कसं आहे? डायरेक्शन पण सगळं अति उत्तम होतं। 5 में से कितने स्टार्स देंगे? 5 out of 5। 1 time bus 2 time bus टू टाइम भी देख सकते हैं, मतलब सेकंड टाइम पण मी जाऊ शकते आरामात। मला खूप आवडलेला आहे हा मूवी। थँक्यू। एक नंबर, खूप चांगला मूवी आहे आणि मस्त आवडलं, एकदम छान। अरे जबरदस्त ऍक्टिंग, जबरदस्त, खूप चांगली ऍक्टिंग केली आणि एकदम म्हणजे अंगावर काटा आला, काय बोलू शकत, शब्दच नाही माझ्याकडे बोलायला। चांगला वाटला, मस्त बाजी बरोबर की ऍक्टिंग खास लगे मला। डायरेक्शन पार्ट वगैरे कसा? मस्त आहे, एक नंबर। 5 से कितने स्टार्स देंगे? पूरे 5। दोबारा देखना है फिल्म? दोबारा मतलब जितने बार देखोगे उतने बार आपको खुशी हो ही मिलेगी। मराठी में अपील कर सकते हो दर्शकों को देखने के लिए? एकदम, खूप चांगला वाटला आणि तुम्ही सगळ्यांनी हा पिक्चर नक्की बघा, कारण की मराठी माणसासाठी हा पिक्चर बघण्यासाठी आहे। हर हर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आहे गे सबको लेके आऊंगा। मराठी बोलना सर, कैसे लगे आपको? खूप चांगलं ऍक्च्युली, म्हणजे पाहिल्यानंतर ऍक्च्युली शिवाजी महाराजांचा पूर्वीचा काळ आठवला, आणि विशेष म्हणजे बाजीप्रभूंची ही पाठची बाजू, म्हणजे शिवाजी महाराजांना बाजीप्रभू कसे मिळाले हे ॲक्च्युली एक्झॅक्टली माहीतच नव्हतं, हे माहीत पडलं। आणि राजसाहेबांच्या आवाजाने तर खूप वेगळा भारावून गेल्यासारखं वाटलं सगळं। खूप छान पार्ट कसा आहे? नाही, म्युझिक पण खूप चांगलं आहे आणि अंगावर काटेने शहारा आणणारा असा सगळा अनुभव आहे त्याचा। सगळं कसं? खूपच चांगला आहे। 5 में से किती म्हणता तुम्ही? 5 म्हणजे 5 पूर्ण देऊ। येस, विथ फॅमिली आले आम्ही सगळेजण, आम्ही म्हणजे आई वडील आत्या मामा सगळेजण आले। हा, परत परत पाहावं असं वाटतंय। येस, सांगा कसं वाटलं पिक्चर? मस्त वाटलं। मस्त आहे, मला पण मस्त लागला। तुम्हाला देखा का फिल्म बघायचं? परत बघायला आवडेल। थँक्यू। अच्छा वाटला, चांगला। अच्छा अच्छा, हा सांगितलं ना, हा अच्छा लागला, हा अच्छा लागला। मूवी बहुत अच्छी थी, हर हर महादेव बहुत 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 बढ़िया मूवी थी ये। क्या खास है इस मूवी में? इसकी खासियत है कि एक्शन बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है, देशभक्ति मूवी है। डायरेक्शन पार्ट कैसा है? डायरेक्शन पार्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। एक्टिंग कैसी लगी आपको? एक्टिंग तो बहुत अच्छी है उनकी, एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। म्यूजिक पार्ट कैसा लगा आपको? म्यूजिक भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लोग सुन सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। कितने स्टार देंगे मुझे? ये तो 4 देंगे।
अच्छा, तो ये बताइए क्या खास इस फिल्म में, क्या दिखाया गया, वीरता का कहानी है, क्या दिखाया गया इस फिल्म में? ये तो बहुत बहुत मतलब सुपर है, हर हर महादेव इसको कहेंगे। हाँ। ऐसा कुछ? अच्छा, तो वो दोबारा देखना है फिल्म में ये? हाँ, दोबारा जरूर देखना चाहूँगा। ठीक है, थैंक्स सर। कैसे लगे आपको हर हर महादेव? वेरी अमेजिंग मूवी थी। पहले तो एक्शन बहुत ज़बरदस्त था मुझे लगी, और हिस्टोरिकल चीज़ जो होती है, जो भी स्टोरी की जो होती है, इतनी अमेजिंग थी, इतनी अमेजिंग है कि आपको देखना ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी जो इन्होंने जो पास्ट को चीज़ों को एक अच्छे तरीके से दिखाया है, वो बहुत सारी, वो आपको देखना ही चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप भी प्लीज़ देखें। 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं 4.5 दूंगा एटलीस्ट। दोबारा देखना है फिल्म में? अरे दोबारा 3-4 बार आप देख सकते हैं, इतनी अच्छी मूवी, आप मस्ट देखिए, प्लीज़ देखिए। शरद केलकर के जो एक्टिंग है, क्या खास नजर आया उनकी एक्टिंग में? मेरे को मैं उनका ऐसे फ़ैन नहीं था, बट मूवी देखने के बाद उनको उनकी जो नेचुरल चीज़ें देखी, एज अ एक्टर लोगों को देखना चाहिए कि उन्होंने कितना अमेजिंग काम किया। मराठी कल्चर को कितना रियलिज्म दिखाया गया, कितना रियलिस्टिक दिखाया गया इस फिल्म में? मराठी कल्चर इज़ लाइक अ नेचुरल, जो एक नेचुरल कंटेंट होता है, जो भी अगर वो कोई भी लैंग्वेज पे बनती है, तो मेरे हिसाब से ना, आप अगर हिंदी देखें, मराठी देखें, स्टोरी अगर अच्छी हो तो वो चीज़ें अच्छी लगती है। तो मुझे मराठी नहीं आती, बट स्टिल स्टोरी लाइनअप इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी होने के बाद भी वो ना, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कुछ भी चीज़ें, मुझे तो अमेजिंग लगी बाकी सारी चीज़ें। जिस तरह से बाजीराव मस्तानी की लार्जर लाइफ फिल्म वैसे ही ये फिल्म है, तो कितना कंपेयर कर सकते हैं दोनों फिल्मों को? देखिए, कंपैरिजन का तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं उतना मुझे पता नहीं है, मैं बस मूवी देखने गया, मैंने इन्जॉय किया, मुझे चीज़ें पसंद आई। हाँ। और सबको देख के ही मतलब आप ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हो। म्यूजिक पार्ट कितना अच्छा है? मेनली बेसिकली अगर देखा जाए तो म्यूज़िक ही ज़्यादा आपको, वो जब वो एक्शन आता है ना, तो जो म्यूज़िक आता है ना, तो अलग ही फील होता है, लगता है कि फ़ाइट करने का अलग ही वो डायरेक्शन जो है, वो मुझे मतलब म्यूज़िक तो मेन पार्ट आप बोल सकते हो उस चीज़ के लिए। तो ऑडियंस का कैसा रिस्पांस था जब एक्शन सीन्स आ रहे थे या कोई भी ऐसा सीन होता था, तो कैसा रिस्पांस? अरे ऑडियंस का पता नहीं, मैं एज ए ऑडियंस गया था, मैंने तो सीटी बजाई, बाकियों का तो मैंने देखा, मुझे मज़ा आ रहा था, मैं वो उस मूवी में मैं अंदर ही मतलब आप खो गया था बोल सकते हो आप सारी चीज़ें। दोबारा दिखना है फिल्म में ये? मैं एक बार कोशिश करूँगा कि मैं अपनी फैमिली को भी दिखाऊँ कि ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है, तो फैमिली अगर देखे तो वो ज़्यादा पसंद करेंगी। अरे और हाँ, आप फैमिली के साथ ज़्यादा देखें, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर। कैसी लगी आपको हर हर महादेव फिल्म? मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और मराठी मुझे बोलनी नहीं आती बट समझ सकता हूँ, तो इट्स एन अमेजिंग मूवी, और बहुत अच्छा डायरेक्शन है, और शरद खेलकर जी की एक्टिंग तो हमेशा से ही अमेजिंग रही है, एंड ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, तो मैं अपनी फैमिली को भी दिखाना चाहूँगा, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। डायरेक्शन पार्ट कैसा लगा इस फिल्म का? डायरेक्शन बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है। रियल लोकेशन पे शूट हुई, उसके मतलब कैसा था देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने वो जो भी लोकेशन यूज़ की हैं, वो बहुत अमेजिंग लग रही हैं, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। और फिल्म में खास क्या है? म्यूजिक पार्ट की बात करें या रोमांटिक सीन्स की बात करें या एक्शन की बात करें? देखिए, एक्शन एक तो बहुत नेक्स्ट लेवल दिखाया है, और म्यूज़िक बहुत अमेजिंग है, मतलब आप फील कर पाओगे, जो पुरानी चीज़ें हैं, पास्ट का इवेंट आपको अभी दिखाया गया है, मतलब बहुत रियलिस्टिक है एकदम, और शिवाजी महाराज के ऊपर है पूरी स्टोरी, तो शरद खेलकर जी ने बहुत अच्छा अभिनय किया। 5 में से कितने अंक देंगे? मैं 5 में से 4 देने चाहूँगा। यस ऑफकोर्स, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, और मैं यही बोलूँगा कि एटलीस्ट एक बार देखने चाहिए ये मूवी। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड मूवी बेस्ड ऑन द मराठी कल्चर, दिस इज वाई आई प्रीफर एवरी वन टू गेट टू दिस मूवी, इट्स अ पैसा वसूल मूवी आई वुड से फ्रॉम माई साइड, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस मराठी कल्चर, बट हैविंग सीन टू दिस मूवी आई वॉज लाइक दिस गेट समथिंग इट इज अ मराठी कल्चर, इट्स अ पैसा वसूल। अबाउट द शरद केलकर, आई वुड प्रीफर टू से ही इज अ वेरी गुड एक्टर, द वे इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर इन हिज वे, इट इज वेरी कन्विंसिंग दैट ही इज प्लेइंग a great character over there. It is a character like that, it is an historic part. If you are portraying a character like this, you have to be very conscious about it. And he was. Realistic kitna laga aapko acting? Realistic acting, if we get to in this, it wasn't a realistic acting, but I would say that it was sometimes getting off made up, but with a sense of movie, it was definitely getting with it. Jo locations hain, jahan shoot hua hai, kitna zyada lag raha tha ki haan ye kahani aur कनेक्ट कर रहा है? द कैरेक्टर एंड द स्टोरी वॉज पूरी तरीके से कनेक्टेड थी, जिस तरीके से हम स्टोरी देख रहे थे। और म्यूजिक पार्ट कितना अच्छा? म्यूजिक
मैं कहूँगा कि आप म्यूज़िक बस का सुन के देखिए, आप मूवी देखेंगे वो म्यूज़िक ही ऐसी चीज़ है जो आपको उस स्टोरी के साथ आगे लेके जाएगा, और म्यूज़िक इसका बेस्ट पार्ट है, इस मूवी को चलाने में म्यूज़िक इसका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है मैं कहूँगा। ये फिल्म 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 5 में से मैं इसे 4 दूंगा। दोबारा देखना है फिल्म ये? हाँ दोबारा देखूंगा, और मैं दूसरों को भी प्रेफर करूंगा कि ऐसी मूवी देखना चाहिए, क्योंकि मैं मराठी का भी मूवी देखता नहीं हूँ, लेकिन आपको भी ऐसे कल्चर से मूवी देखते हैं, काफ़ी कम मूवीज होती है जो आपको हिट करती है। क्या सीखने को मिला मराठी कल्चर के बारे में या ब्रेवरी के बारे में, क्या आपको मिला सीखने को इससे? ब्रेवरी जो आपने वर्ड किया है डेफिनेटली ये शिवाजी महाराज के ऊपर बनी है, तो ये मूवी से आपको एक ब्रेवरी जैसा वर्ड आपको आएगा, और जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपको भी कुछ करना चाहिए, ऐसी मोटिवेशन तो आती है। डायरेक्शन है, एडिटिंग है, सिनेमाटोग्राफी है, एवरीथिंग लाइक एक्सेलेंट था, कि हमें जो लाइक क्या बोलता है, पूरे टाइम मूवी पे इन्वेस्ट कर देता है, एक्चुअली हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उस मूवी में, जो रियल इंसिडेंट हुआ तो उसके ऊपर ही था मूवी, तो हमें एक्चुअली लाइक वो जो एसेंस है मूवी का वो सब हमें मिल जाता है एक्चुअली मूवी जब देखने के टाइम। क्या लेसन सीखने को मिला मराठी कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, ब्रेवरी एस्पेक्ट बहुत है इंपॉर्टेंट, वो सीखने को मिला क्या मिला? हाँ वो ज़रूर वो भी मिला, और लाइक एक हिस्टोरिकल चीज़ है तो उसके बारे में ज़्यादा लाइक नॉलेज भी हमें मिला, कि ये इन दोनों के जो बीच में जो है कॉम्बिनेशन जो है, जो शिवाजी महाराज और अपना जो दूसरा जो कमांडर है जो शरद खेलकर ने किया था, इनके इन दोनों के जो बीच का जो कॉम्बिनेशन सब कुछ बहुत बढ़िया था, तो काफ़ी सारा नॉलेज मिला एक्चुअली, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। बाजीराव मस्तानी से कंपेयर किया फिल्म को, कितना ज़्यादा देखा आपने बाजीराव मस्तानी का इसमें? देखो मैं कह सकता हूँ एक्चुअली ये दोनों मूवी अलग अलग है अपने अपने हिसाब से, तो ये मूवी अलग है और उसमें वो दूसरा एक काइंड ऑफ वे में लिया गया था, तो कंपेयर नहीं कर सकते बेसिकली, बट ये बहुत बढ़िया मूवी था वो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से शूट्स हुआ लगता है कि काफ़ी बड़ा बजट का फिल्म है, ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ शूट्स बहुत जबरदस्त, VFX का यूज़ काफ़ी अच्छा हुआ है, और जितने हैं प्रॉप्स वगैरह काफ़ी अच्छे से यूज़ उसके लिए बताइए। हाँ देखो अभी इतने आई थिंक ज़्यादा बजट नहीं था मूवी का, एनीवे लाइक मराठी इंडस्ट्री के हिसाब से उतना बड़ा बजट नहीं होगा, बट लाइक जो इन्वेस्टमेंट वालों किया है अच्छे तरीके से किया है, अच्छे VFX दिया हुआ है उसमें, कि हम लोग 100 करोड़ मूवी में जो VFX देखता है उससे भी बढ़िया VFX वगैरह इसमें किया हुआ है, लाइक जेन्युइनली काम किया हुआ है इसमें। 5 में ऑफ कोर्स 4 दूंगा फॉर श्योर। या अरे मल्टीपल टाइम यू कैन गो एंड स्टडी अबाउट द मूवी एक्चुअली। या कैसी लगी आपको? अरे बहुत अमेजिंग फिल्म बनाई है, और मैंने हिंदी में देखी फिल्म, और बहुत मज़ा आया, शरद केलकर जी का और सुबोध जी का बहुत सही काम किया है उस फिल्म में, और बाकी देखा जाए तो मतलब जो उनका फाइट सीक्वेंस जो रहा है वो क्लाइमेक्स सीन अमेजिंग, मज़ा आएगा आपको देखने पर। ये बताइए फिल्म में जो एक्टिंग पर्टिकुलरली शरद केलकर जो लीड में, हाँ हाँ कितना रियलिज्म है? शरद केलकर जी का तो काम बढ़िया ही था, और सुबोध जी का भी काम जो शिवाजी का रोल प्ले किया उनने जबरदस्त। हाँ कुछ थीम है जो कनेक्ट करती है हमें, बट ये अलग कंटेंट है, देखना चाहिए ऑडियंस। म्यूजिक पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, और जो सीन्स एक्शन सीन्स वो कितने स्ट्रॉन्ग है? एक्शन सीन अमेजिंग, बेस्ट सीन दिए जो शरद केलकर जी ने जो काम किया है याद रखेगा। कितना रियल कितना मजा आता जब आप बैठ के देखते हैं एकदम कनेक्टिंग फिल्म में, रियलिस्टिक और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा सभी आर्टिस्ट फिल्म का, ये स्टैंडर्ड रेस कर देगा। और हाँ पैन इंडिया लेवल पे रिलीज हुआ है, और बाकी तो परफॉर्मेंस लेवल जबरदस्त। वॉज ऑसम एक्चुअली, मूवी देखा जाए तो बहुत सारी अच्छी इसमें स्टोरी है और सीन्स काफ़ी अच्छे हैं। कितना रियलिज्म है एक्टिंग पार्ट में, डायरेक्शन पार्ट में, VFX का यूज़ हुआ कितना ज़्यादा? एग्जैक्टली एक्चुअली मैं तो शरद केलकर का बाहुबली से फ़ैन हूँ, और इन्हीं के लिए मैं मूवी देखने आया था, और काफ़ी सारे एक्शन अच्छे थे, कुछ सीन कुछ इमोशन करने वाले हैं, मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा वरना लोग देखने नहीं आएंगे। बाकी म्यूजिक पार्ट कैसा है? म्यूजिक ऑप्शन इनकी टाइटल सॉन्ग हरण महादेव वो भी काफ़ी अच्छी थी, वो आपको एज ऑफ द सीट लाने पर और झूमने पर फोर्स कर देती है कि आप झूमने को आप विवश हो जाओगे। एक्चुअली समटाइम्स आई वॉज गेटिंग गोजबम्स आफ्टर वॉचिंग द मूवी, एंड समटाइम्स इट वाज लाइक ओ शिट ऐसा नहीं होना था, ऐसा ऐसा सीन हो रहा था। और कंपेयर भी कर सकते हैं तो मुझे सेम स्टोरी तो नहीं लगी, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन साइड ऑफ वॉरियर दिखाया गया है, शिवाजी राव को एक वॉरियर ह्यूमन साइड से क्या सोचते हैं वो दिखाया गया है।
आउट ऑफ 5 स्टार्स कितने देंगे? डेफिनेटली 4.5। और ये ऐसी फिल्म है मराठी के अलावा अलग अलग लैंग्वेज भी हो, तमिल, तेलुगु, ये कितना बड़ा स्टेप है? डेफिनेटली इसमें मराठी कल्चर को पूरे इन्होंने देश के लिए दिखाया गया है, कैसा इनका हिस्ट्री था और क्या इन्होंने किया है। एक्चुअली मराठा वाज ए गुड वर्ड वी ऑल नो एंड लोगों को देखना चाहिए मूवी। ऑब्वियसली 4.5। मैं फिलहाल तो अकेले आया हूँ, अपने फ्रेंड लोगों को भी रिकमेंड करूँगा मूवी देखने के लिए और उनके साथ दोबारा आऊँगा ऑन संडे। हर हर महादेव बहुत ही औसम मूवी है, मैंने देखा। इसमें बहुत सारे डायरेक्शन ऐसे ऐसे हैं जो हम देखे नहीं इससे पहले, ऐसे ऐसे डायरेक्ट किए गए हैं इसमें, और बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट हैं जो हमें देखना चाहिए। एक्चुअल पब्लिक जो आ नहीं रही है देखने के लिए, उनको आने के लिए आना चाहिए देखने के लिए। यहाँ पे शायद पहली मराठी फिल्म है जो पैन इंडिया रिलीज हो रही है, हर भाषा में, मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, हर भाषा में रिलीज हो रही है, बताइए उसकी बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे मुंबई में बहुत और सारे लैंग्वेज वाले रहते हैं जिनको समझता नहीं है बहुत सारे लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे ऐसा कर दिया, ये अच्छा किया है कि सारे लैंग्वेज में उन्होंने रिलीज़ किया है, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ, अमेजिंग है ये। इनका डायरेक्शन बहुत अच्छा था इसके लिए। कितना लगा आपको मराठी कल्चर सीखने को मिला इसमें, और जो ब्रेवरी पार्ट है जो स्टोरी बताई गई है वो कितना कुछ लगा? इसमें शरद जी ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, और शिवाजी महाराज कैसे नीचे से ऊपर आते हैं, सारे साम्राज्य कैसे कायम करते हैं वो अपना, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। आप लोगों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए मूवी के बारे में, ऐसा बताया गया इसमें। उसके कंपेरिजन में मोस्टली दोनों सेम ही है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें न्यू एक्टर ऐड किया गया है, और एक्टर की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब वो तो एक नेक्स्ट लेवल के हैं, लेकिन इनका भी एक्ट देखना चाहिए, ये और अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं इसमें। म्यूजिक पर कितना चला था आपको? म्यूजिक ही ऑसम था, अच्छा था। आउट ऑफ 5 स्टार्स कितने देंगे? 4.5। वन टाइम वॉच है, टू टाइम वॉच है? ये एक्चुअल में 2 या 3 टाइम्स देख सकते हो तुम, जिनको एक्शन मूवी पसंद है, जिनको इंटरेस्टेड है कि भाई एक्शन मूवी देखना है, तो वो 3 टाइम्स देख सकते हैं, मतलब बोर नहीं होगा। एक्शन मूवी ऑलरेडी बोर नहीं होता है, बट ये मूवी बहुत ही ऑसम मूवी है। 4.5 स्टार दूंगा मैं। हाँ एग्जैक्टली, आई विल कम। और कौन बचे? 2 बचे हैं। आप दोनों को अच्छी लगी?